नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनता दरबार में फरियादी ने सीएम नीतीश के सामने भ्रष्टाचार की खोली पोल। मार्च से बिहार के इन कारखानों पर लगेगा ताला। उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी का किया ऐलान। सभा के लोगों को भा रहा इस दरोगा का कुलंदाज। रोहित ने ओपनर बल्लेबाज को लेकर कही ये बड़ी बात। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जनता दरबार में फरियादी ने सीएम नीतीश के सामने भ्रष्टाचार की खोली पोल। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में एक ऐसा फरियादी पहुंचा जिसने सात निश्चय योजना और भ्रष्टाचार को लेकर पोल खोल दी। बता दें कि यह फरियादी मुजफ्फरपुर के गायघाट से सीएम नीतीश के जनता दरबार में पहुंचा था, जहां उसने सीएम नीतीश को बताया कि गायघाट प्रखंड में सात निश्चय योजना के तहत तैयार की गई पक्की गली नाली व सड़क योजना में बड़े स्तर पर घोटाला किया गया है। इसको लेकर जांच भी की गई और आरोप में प्रमाण भी मिले हैं, लेकिन अब तक भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिसके बाद इस शिकायत को सुन मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारी को तुरंत मामले को देखने को कहा। उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी का किया ऐलान। उपेंद्र कुशवाहा ने कई बड़े फैसले ले लिए हैं। बता दें कुशवाहा ने एक तरफ अपनी नई पार्टी का गठन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने MLC की सदस्यता को भी छोड़ दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू से भी अपना नाता तोड़ लिया है। सिन्हा लाइब्रेरी के सभाकक्ष में अपनी बात रखते हुए कुशवाहा ने एक तरफ जहां अपनी नई पार्टी का ऐलान किया, तो वहीं जदयू और राजद के बीच के संबंध को लेकर भी खूब खड़ी खोटी सुनाई। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि समता पार्टी और जदयू के वजूद को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किया गया है, में पिछड़ों और अति पिछड़ों प्रगतिशील लोगों का मंच होगा। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जब विधानसभा अध्यक्ष समय देंगे, हम विधानसभा से अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। GST मुआवजा में बिहार को मिले इतने रुपए। बीते शनिवार को देश के सभी राज्यों के लिए GST मुआवजे की अंतिम किस्त के रूप में काउंसिल की बैठक के बाद केंद्र सरकार के द्वारा राशि जारी कर दी गई है। बता दें कि जारी की गई इस राशि में बिहार को केंद्र सरकार के द्वारा 16,982 करोड़ रुपए में से महज 92 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2017 में जब केंद्र सरकार के द्वारा नया क्रय कानून GST लागू किया जा रहा था, उस दौरान केंद्र सरकार के द्वारा यह कहा गया था कि GST लागू होने से राज्य को राजस्व में जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार के द्वारा 5 सालों तक की जाएगी, जिसके बाद ऐसा माना गया था कि राज्यों का रेवेन्यू 14% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ेगा। अब पटना के JP गंगा पथ पर शाम होगी और हसीन। बीते दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर गंगा किनारे विकसित हुए JP गंगा पथ को विकसित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए एजेंसियों को भी आमंत्रित किया गया है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार एजेंसी के द्वारा 18 फरवरी से 11 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इसके बाद 13 मार्च को हार्ड कॉपी जमा की जाएगी। इस टेंडर के माध्यम से काम करने के अनुभव के आधार पर एजेंसी का चयन किया जाएगा। बता दें कि JP गंगा पथ को विकसित करने के तहत सरकार के द्वारा गंगा रिवर फ्रंट पर स्टेडियम, मॉल, कल्चर व रिक्रिएशनल सेंटर, म्यूजियम, पार्किंग, पार्क, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी तथा साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण करवाया जाएगा। मार्च से बिहार के इन कारखानों पर लगेगा ताला। बिहार के वैसे कारखाने जो रजिस्टर्ड नहीं हैं और साथ ही श्रम नियम बनाने के बावजूद भी उसका पालन नहीं करते हैं, उन्हें बंद करने के लिए सरकार की ओर से अभियान चलाया जाने वाला है, जिसकी शुरुआत मार्च से होने वाली है। दरअसल श्रम संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई है कि राज्य में कई ऐसे छोटे मोटे कारखाने हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं और साथ ही कई ऐसे कारखाने भी हैं जो श्रम नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिसके बाद बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इस तरह के कारखानों को बंद करवा दिया जाए। इसके लिए जिला स्तर पर एक टीम का भी गठन किया गया है जो इन कारखानों को बंद करवाने का काम करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माना और जेल का भी प्रावधान है। CET BED के पोर्टल पर किया गया ग्रीवांस बटन का प्रावधान। बीते दिन रविवार को CET BED और शिक्षा शास्त्री 2023 के आधिकारिक पोर्टल का उद्घाटन कर दिया गया है, जिसके बाद अब अभ्यर्थी 15 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट www.biharceetbed-imu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वह इस बार के पोर्टल को लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि इस बार पोर्टल पर अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए ग्रीवांस बटन का भी प्रावधान किया गया है, जिसका इस्तेमाल अभ्यर्थी फॉर्म भरने के दौरान आई परेशानी से निपटने के लिए कर सकते हैं। बता दें कि इस ऑप्शन के आने के बाद अब अगर अभ्यर्थी को फॉर्म भरने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी होती है तो उन्हें ईमेल या फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे इस ग्रीवांस वाले ऑप्शन पर अपने नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर के साथ अपनी परेशानी या शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
भाजपा विधायक रश्मि वर्मा को मिली धमकी। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज से भाजपा विधायक रश्मि वर्मा को धमकी भरे फोन कॉल आने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि फोन कॉल नरकटियागंज में कपड़ा व्यवसायी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और उसके बेटे को गोली मारने के बाद किया गया है। मालूम हो कि अपराधी द्वारा विधायक को धमकी देने का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें अपराधी के द्वारा कहा जा रहा है कि अब जाकर तुम पर हमारी नजर गई है, अब तुम्हें स्कैन कर रहे हैं, यह दिमाग में तुम लोग रखो, जहां जहां हमारा फोन जा रहा बोलो कि सब बात करे, गुड्डू से बोलो कि हमसे बात करे। हालांकि इस बात से विधायक इनकार कर रही हैं। दरअसल नरकटियागंज में कपड़ा व्यवसायी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और उसके बेटे को गोली मारने के बाद विधायक उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंची थी। उसी दौरान अपराधी ने कॉल कर दोबारा व्यवसायी से रंगदारी मांगी थी, जिसकी सूचना विधायक के द्वारा DIG को दी गई थी। इसके बाद अपराधी के द्वारा विधायक को कॉल करके धमकी दी गई। वहीं इस मामले पर थानाध्यक्ष का कहना है कि इस कांड का उद्भेदन करने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है, जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कोरोना काल में उत्कृष्ट योगदान के लिए 30 डॉक्टर हुए सम्मानित। बीते दिन जलालपुर फन एडवेंचर पार्क गंगाजल सिटी में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का 393वीं जयंती समारोह सह डॉक्टर योद्धा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सुधीर कुमार पटेल एवं इंजीनियर सतीश कुमार पटेल के द्वारा किया गया। इस जयंती समारोह एवं डॉक्टर योद्धा सम्मान समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा, पूर्व न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय, वर्तमान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आशीष रंजन सिंह, बिहार मेडिकल यूनिवर्सिटी के VC डॉक्टर SN सिन्हा व CM के अतिरिक्त परामर्शी मनीष कुमार के द्वारा किया गया। इस आयोजित सभा में कोरोना काल में डॉक्टर समुदाय के द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए 30 डॉक्टरों को शिवाजी योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया। सिवान के लोगों को भा रहा है दरोगा का कूल अंदाज। इन दोनों सिवान में एक पुलिस के कूल अंदाज को लोगों के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। दरअसल जिले के हसनपुरा MS नगर थाना क्षेत्र के दरोगा पंकज कुमार ठाकुर के द्वारा सड़क पर वाहन चालकों को गुलाब फूल बांटते नजर आ रहे हैं, जिसे देख लोगों को उनका यह अनोखा अंदाज खूब पसंद आ रहा है। वहीं कुछ लोगों के द्वारा उनका वीडियो भी बनाया जा रहा है। बता दें कि पंकज कुमार उन वाहन चालकों को फूल बांटते हैं जो हेलमेट पहने होते हैं, और इसके साथ ही उन वाहन चालकों का चालान भी काटते हैं जो हेलमेट नहीं पहने होते। उनका यह अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है और साथ ही लोगों को इससे एक पॉजिटिव मैसेज भी मिल रही है। वहीं पंकज कुमार ठाकुर का कहना है कि वह सड़क पर उतरकर लोगों को सड़क सुरक्षा कार्यक्रम को लेकर जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बिहार में शराब तस्करी रोकेंगी जीविका दीदी। इन दिनों बिहार में जीविका दीदियों को बिहार सरकार के द्वारा हर तरह की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। बता दें कि नई जिम्मेदारी के रूप में सरकार के द्वारा जीविका दीदियों को शराब तस्करी को रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए मद्य निषेध के संयुक्त आयुक्त के द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। बता दें कि अब शराबबंदी को रोकने के लिए उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम जीविका दीदियों की भी मदद लेंगी। अब जिले के दलित व महादलित इलाकों में शराबबंदी को लेकर उत्पाद विभाग के द्वारा की जाने वाली छापेमारी में जीविका दीदी भी उत्पाद विभाग की टीम के साथ मौजूद रहेंगी, जो शराब बनाने या बेचने वाले परिवारों को चिन्हित कर सूची बनाएंगी, जिसके बाद ऐसे परिवारों को सतत जीविकोपार्जन के तहत सरकार की ओर से लाभ दिया जाएगा। विजय कुमार सिन्हा का महागठबंधन सरकार पर तंज। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा आज मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए महागठबंधन सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सूबे में बिहार सरकार जातीय उन्माद फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध चरम पर है, बिहार में अब माफिया राज स्थापित हो गया है। अब तो मैं बस यही प्रार्थना कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री की सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे। यहां पुलिस माफिया गठजोड़ है और हत्या में शामिल सरकार के नेताओं को बचाने की कोशिश की जा रही है, जिसे अब BJP के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र के फैसले पर बिहार वित्त मंत्री ने जताई नाराजगी। अब विशेष राज्य का दर्जा केंद्र की तरफ से किसी भी राज्य को नहीं दिए जाने का ऐलान जैसे ही हुआ, वैसे ही सियासत तेज हो गई। विजय कुमार चौधरी, जो कि बिहार के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि देश में क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ जाएंगी यदि गरीब राज्यों को केंद्र से सहायता नहीं मिलती है। तो केंद्र के इस फैसले का विरोध बिहार में राजद और जदयू की महागठबंधन सरकार भी कर रही है। बताते चले कि शुक्रवार को भुवनेश्वर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वित्त आयोग ने केंद्र को एक सिफारिश की है। इस सिफारिश में कहा गया है कि किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा। तेज प्रताप यादव ने PM मोदी पर कसा तंज। बीते दिन बिहार के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव पटना जू पहुंचे, जहां उन्होंने जेब्रा के ट्रीटमेंट के लिए बनाए गए क्राल का उद्घाटन किया और साथ ही पटना जू में आने वाले असम स्टेट जू से नए मेहमान हुलोक गिवन केस का भी पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन करते हुए ईंट रखकर शिलान्यास किया। बता दें कि मार्च के अंत तक आप पटना जू में हुलोक गिवन को देख सकते हैं। इस दौरान जब तेज प्रताप यादव से भारत में चीता लाने से जुड़ा सवाल पूछा गया, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जब मैंने पर्यावरण विभाग संभाला तो प्रधानमंत्री मोदी के भी दिमाग में आया कि मुझे भी तेज प्रताप जैसा काम करना चाहिए।
रोहित ने ओपनर बल्लेबाज को लेकर कही ये बड़ी बात। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल के द्वारा अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया गया। वहीं अब उन्हें तीसरे और चौथे टेस्ट मैच के लिए भी भारतीय टीम में चयन कर लिया गया है, जिसके बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा उनके लिए एक बड़ी बात कही गई है। उन्होंने कहा कि टीम प्रबंधन के रूप में हम हमेशा किसी भी व्यक्ति के क्षमता को देखते हैं, न कि उनके अतीत में किए गए प्रदर्शन को। अगर उस व्यक्ति में क्षमता है तो उन्हें एक मौका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में खेलना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन किया। उनकी प्रदर्शन की वजह से ही भारत को दोनों मैच में जीत मिली। फिर भी उनका क्षमता के बारे में बात की जा रही है, लेकिन हमारी तरफ से यह स्पष्ट है कि उन्हें मैदान पर अपना खेल खेलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राहुल को टीम का समर्थन मिलता रहेगा। हम यह नहीं देखते कि कोई खिलाड़ी के रूप में क्या कर रहे हैं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुसरत बनो, कुश कुमार यादव, कुमार रितेश, रवि कुमार राम, सदुल्लाह पलवी, मोहम्मद नौशद राजा, महमूद अंसारी, कन्हैया कुमार, जीवनाथ मंडल, रंजीत मिश्रा, अभिनेश कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, अंशु प्रिया, राजेश कुमार, शंकर मुखिया। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार लोगों को सड़क सुरक्षा कार्यक्रम को लेकर जागरूक करने के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाना चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।